गुड मॉर्निंग एवरीवन। इसके पहले के दो वीडियोस में मैंने आपको बताया बाइंग लाइफ साइकिल ऑफ इन्वेस्टमेंट और होल्डिंग लाइफ साइकिल ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये दो पार्ट मैंने आपको बताया लाइफ साइकिल ऑफ इन्वेस्टमेंट के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा थर्ड पार्ट फॉर लाइफ साइकिल इन्वेस्टमेंट विच इज़ कॉल्ड एज सेलिंग। अब एग्जैक्टली कौन से लेवल पर सेल करना है ये पहले ही आपको पता होना चाहिए बिफोर बाइंग। बिफोर यू एंटर इन टू ट्रेड यू शुड नो योर एग्जिट लेवल्स। ये अभी भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, ये चीज़ हमेशा आपको पता होनी चाहिए कहाँ पे एग्जिट करना है। कई बार हम देखते हैं इन्वेस्टर्स को जहाँ पे वो एग्जिट नहीं करना है स्टॉक, वैसे लेवल को स्टॉक एग्जिट कर देते हैं और उसके बाद वो पर्टिकुलर स्टॉक प्राइस और ऊपर की तरफ जाता है और इन्वेस्टर्स को लगता है कि मैंने और थोड़ी राह देखी होती तो मुझे और प्रॉफिट मिलता। तो एग्जैक्टली सेलिंग को एनालाइज करना है, कौन से लेवल पे सेल करना है ये देखना है। और ये भी चीज़ ध्यान रखनी है जब भी मार्केट में पैनिक सिचुएशन आता है और अगर आपने गुड क्वालिटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है तो पैनिक सिचुएशन में आके गुड क्वालिटी स्टॉक्स को सेल नहीं करना है, उसको होल्ड करना है। क्योंकि जब भी मार्केट में पैनिक सिचुएशन होता है तो गुड क्वालिटी स्टॉक्स हमेशा ज़्यादा डाउनफॉल होते हैं, लेकिन जब भी मार्केट रिकवर होता है तो सबसे पहले बाउंस बैक हमेशा गुड क्वालिटी स्टॉक्स देते हैं। तो आपने अगर गुड क्वालिटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है और अगर मार्केट में पैनिक सिचुएशन आया है तो आपको उसको सेल नहीं करना है, उसको होल्ड करके रखना है। तो ये था थर्ड पार्ट ऑफ लाइफ साइकिल इन्वेस्टमेंट विच इज कॉल्ड एज सेलिंग।